वेलकम टू माय YouTube चैनल गाइस। सो हे गाइस, व्हाट्स अप फ्रेंड्स, मुझे आप लोग देख रहे हैं भारत का नंबर वन न्यूज चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी इंस्टाग्राम रील्स की जिन्हें ओस्कर से भी कोई बढ़कर अवार्ड है ना भाई, तो वो मिल जाना चाहिए। स्वागत तो करो हमारा, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। नहीं मतलब पहचाना नहीं क्या भाई को? अरे ये तो वही है, द लेजेंड अजय देवगन। बस फर्क ये कि भाई जब अजय देवगन भाई ने विमल पान मसाला खा के थूका, बोलो जी बात ही सही, उसी के कारण भाई ये वेरिएंट यहाँ से निकला। क्या मतलब नापतोल से खरीदा हुआ अजय देवगन। अब आप में से बहुत सारे भाई लोग मेरी तरह यार सिंगल होंगे, और भाई हमारे दर्द पर असली नमक जो छिड़कता है वो छिड़कता है इंस्टाग्राम। जरा भाई ध्यान से इस वाली रील को देखो। देख रहे हो इस जहरीले अजय देवगन को? नहीं, बचपन में ऐसे ही मेरी मम्मी बोलती थी, भाई सोजा बढ़ना भूत आ जाएगा। अरे तो ऐसा लग रहा है वो कच्ची वाली थैली के नशे नहीं होते, उसको करने के बाद जैसी आंखें हो जाती है ना, आंखें देखो भाई बिल्कुल रिजेक्टर वाला जो जोकर था ना, सेम उसकी तरह बना रहा है। या तो भाई इसका रात को पेट साफ नहीं हुआ इसलिए ऐसी आंखें बना रहा है। बवासीर एक आम समस्या है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे यार जो ब्रूस ली को जानते होंगे और भाई उसके फैन भी होंगे, बट यार देखो मैं किसी और मार्शल आर्टिस्ट का फैन हूँ जिसका नाम है ब्रूस अली। देखो भाई भाई की स्किल्स को कोई भी बुरा नहीं बोलेगा, ये हमारे ब्रूस ली से वैसे कहूँ तो अच्छा ही है ना। एक तो देसी है भाई और इसकी मार्शल आर्ट का भाई कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारा ब्रूस ली जिस तरीके से आवाजें निकालता था कुछ इस टाइप की, हमारे ब्रूस अली भाई भी उससे बढ़िया आवाजें निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से सुनो। अगर मैंने ब्रूस अली भाई को एम्बुलेंस पे बैठा दिया तो भाई पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि एम्बुलेंस आ रही है। इससे तो सरकार का फायदा ही है ना, तो भाई देश के लिए गर्व की बात है। बहुत सारी बातों के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके जिनके बाद यार आप भी बन सकते हो एक बहुत ही बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। भाई आपको करना कुछ नहीं है, आपको फोन लेना है और मिरर के सामने जाना और कुछ इस तरीके की हरकतें करनी है। नहीं मतलब आदमी को इतनी हवस आ रही है कि अपने आप को देख के संतुष्ट हो रहा है। भाई ध्यान से देखो जरा इस मासूम चेहरे को, दरिंदगी तो इसके होठों से लटक रही है। अगर भाई मैं इस वीडियो के साउंड को रिमूव करके अपना कोई साउंड लगा दूं ना तो वीडियो का मतलब ही बदल जाएगा। जरा आप लोग ध्यान से सुन लो एक बार। कैसा ये मदहोश सबल है, टूटता नजरों का सबर है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज सब कर, और अगर पुराने हो तो ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। और गाइस अब जो आप लोग देखने वाले हो भाई उसको देखने के लिए आपका दिल कलेजा फेफड़ा सब कुछ भाई भी एकदम मजबूत होना चाहिए। उसको देखने के बाद आपको एक सदमा भी लग सकता है क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा सैड वीडियो होने वाली है। भाई पहले ही बता रहा हूँ इस वीडियो में बहुत ज्यादा जोखिम भरा हुआ है। अरे फैजान भाई जान, यार मेरे पास तो आती नहीं है यार। भाई कोई मिलना आया तो इस तरीके से वाइब्रेट क्यों रहा, पहले तो ये बता तू मुझे। चल मैं मानता हूँ कि तेरे पास हाथ नहीं है, बट तू भाई नॉर्मल जाके ये भी तो बोल सकता है कि ऐसी गले लग ले, सामने वाला खुद गले लगा देगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल, या तो मुंह से भी कुछ हाय हेलो बोल सकता, लेकिन नहीं हमें तो वाइब्रेट हो गया। थोड़ा सा ये बोलना है कि यार मेरे पास तो आती नहीं है यार। कमांडर सूरज। यस सर। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने चांद को अगवा कर लिया है। क्या अगवा कर लिया है? पाकिस्तानी आतंकवादियों ने चांद को अगवा कर लिया है। अच्छा अच्छा, चांद को अगवा कर लिया है। हाँ वो तुम्हारे चाचा की दुकान पे एक रखी हुई टॉफी है ना, जिसको तुम जेब में रख के भाई कहीं भी आराम से घूम सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब यार अगर देश के लिए प्रेम दिखा रहे हो भाई, अपनी कंट्री के लिए प्राइड दिखा रहे हो, लव दिखा रहे हो, तो भाई कोई लॉजिक तो लगा लो। और भाई ये सामने वाले बंदे का क्या रिएक्शन है, जरा ये आवाज तुम ध्यान से सुनो। तुमको बचाना होगा कमांडर सूरज। यस सर। फैजान यार, भारत माता ने इस मिशन के लिए मुझे चुना है यार, मुझे जाना पड़ेगा यार। यार मैं भी चलूंगा यार। नहीं नहीं, भारत माता को तुम्हारी यहाँ जरूरत है। इस आदमी का भाई भारत माता क्या करेगी भाई। भाई मुझे नहीं पता था कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जो है भाई वो बिना एरोप्लेन के भी उड़ जाते हैं। ये तो भाई एकदम रॉकेट हो गया और सीधा भाई स्पेस। अरे मेरे भाई स्पेस से अर्थ से बाहर निकल गया, पूरा स्पेस में पहुंच चुका है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और अभी ये सामने एलियन, भाई ये कैसे एलियन है? ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ऐसे टॉयलेट के बल्ब के ऊपर नाचते हुए कीड़े होते हैं। गजब बेइज्जती है। चलो कोई बात नहीं, अब बंदे इससे फाइट करता है और अपने चांद को लेकर धरती पे वापस आ चुका है। यहाँ पर भाई ये एलियन दोबारा फायर कर रहा, और अरे उसके दोस्त ने उसको बचा लिया। एक सेकंड, ये कैसी आवाज निकाल रहा भाई ये बंदा? मतलब अगर मैं इसके ऊपर ब्लैक स्क्रीन लगा दूं तो भाई वीडियो का मतलब ही बदल जाएगा, कोई बंदा क्या समझेगा भाई इस आवाज को। गाइस क्या आपको पता है कि क्रिस 4 रिलीज होने वाली है और उसमें रोहित मेहरा का रोल ही अंकल जी करने वाले हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अंकल आपको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपके माथे पे टेंशन और आपके दांतों में तानसेन दोनों अटके हुए हैं। कसम से भाई इस क्लिप को देखने के बाद ना जादू कहीं कोने में बैठ के रो रहा होगा कि ये मैंने क्या देख लिया। अफसोस मुकेश बच नहीं सका।
आप मेरे को बताओ कि आपको वीडियो देख के कैसा लगा। अब मेरे को पता है कि भाई वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट थी और आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत मजा भी आया हो, और भाई मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा इससे थोड़े लंबा रोस्ट वीडियो लाने का। बट यार मेरा थोड़ा पहला रोस्ट वीडियो था और मैं इसमें ट्राई कर रहा था कि क्या मेरे को रोस्टिंग आती है नहीं आती है। आपको अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और भाई मैं संडे टू संडे रेगुलर अपलोड यहाँ पर करने वाला हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वॉच इट गाइस।